क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, इसको लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करके हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इक्वेशन वी कैन राइट इन दिस वे, 5 × 1 upon x minus 1 + 1 × 1 upon y minus 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, ये इक्वेशन हुआ। सेकेंड, 6 राइट इंटू 1 upon x minus 1 - 3 × 1 upon y minus 2, ओके, इक्वल टू 1। सो क्या करेंगे हम अभी, 1 upon x minus 1 and 1 upon y minus 2 इज इक्वल टू कोई एक वेरिएबल उसको दे देंगे। सो लेट 1 upon x minus 1, सपोज 1 upon x minus 1 इज इक्वल टू p, राइट, और यहाँ पे 1 upon y minus 2 इज इक्वल टू q, क्योंकि ये दोनों में भी आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको लीनियर पेयर में लाने के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 upon x minus 1 इक्वल टू p एंड 1 upon y minus 2 इक्वल टू q। तो क्या बनेगा इक्वेशन, देयरफॉर दिस विल बिकम 5p + 1 × 2 है, सो दैट इज 5p + q, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, ये बना हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 6p - 3q, दैट इज इक्वल टू 1। ये रहा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, 5p + q इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे 6p - 3q इक्वल टू 1। सो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलिमिनेशन, राइट। सो यहाँ पे क्यू एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन, ये जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल बन जाएंगे। देयरफॉर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 3 से। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन 1 एंड एडिंग इट विथ इक्वेशन 2, मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 5p + q इक्वल टू 2 है, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 15p + 3q, 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू 6। ओके, प्लस क्या होगा, ये एज इट इज हमें रखना है, राइट, 6p - 3q इक्वल टू 1, ये हमें एज इट इज रखना है, राइट। सो 3q गेट कैंसल, सो दिस विल बी 21p इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई, 21 / 7, सो दैट विल बी 3। p इज इक्वल टू हमें मिला 3। नाउ पुटिंग p इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, सो पुट p इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पे रख दिया, तो 5 × 3 कितना बनेगा, 5 × 3 दैट विल बी 15। ओके, प्लस q, ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पे 5p है, सो p है हमारा 3, सो 5 × 3 = 15, + q, सो दैट इज इक्वल टू 2। सो q इज इक्वल टू कितना आएगा, ओके, यहाँ पे आ रहा है 21, p इज इक्वल टू 7। देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू 7/21, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/3, p इज इक्वल टू 1/3। सो ये
p इज इक्वल टू 1/3 अब हम पुट अप करेंगे इन इक्वेशन 1. सो पुट p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1. तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन 1? 5p है, सो दैट विल बी 5 इंटू 1/3, सो दैट विल बी 5/3, ओके, प्लस q, दैट इज इक्वल टू 2. तो q इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 माइनस 5/3, ओके, सो दैट विल बी एलसीएम 3 आएगा, सो 3 टू 6, 6 माइनस 5, 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/3. मतलब p की भी वैल्यूज हमें 1/3 मिली, q की भी वैल्यूज हमें 1/3 मिली. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये p और q की वैल्यूज आ गई है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y की वैल्यूज. सो p की वैल्यू कितनी है, 1/3, ओके, एज p इक्वल टू 1/(x-1), ओके, p इक्वल टू क्या है, 1/(x-1), बट p की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/3, देयरफॉर, ओके, 1/3 इक्वल टू 1/(x-1). क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, x-1 इक्वल टू 3, राइट, देयरफॉर x इक्वल टू 4, ओके, x इक्वल टू 4 मिला हमें. अब q इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंड q इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/(y-2), 1/(y-2), ओके, सो q that is also 1/3, so 1/3 is equal to 1/(y-2), इसका मीनिंग क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 is equal to y-2, right, therefore y is equal to 5, right, तो हमें वैल्यूज क्या मिली, x is equal to 4 and y equal to 5.